इत्थे एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू, ये गल बड़ी समझने वाली है कि स्वामी विवेकानंद एक मित्र से, स्वामी विवेकानंद का मित्र से। माता पिता ने उन्हें कहा कि बेटा तेरे वास्ते लड़की पसंद की है, चल लड़की वाले को जाना है ताकि तू लड़की देख लवे और लड़की तेनू देख लवे, फिर तुहाडा रिश्ता करना है। उन्हें मित्र विवेकानंद के नाल बड़ा प्यार करता सी, कुछ भी सलाह करता सी तो अपने मित्र की सलाह लैके करता सी। हुण जो उन्होंने आके विवेकानंद को दसिया कि नाल मित्र तू भी चल, तो उस वेले विवेकानंद जी हाले स्वामी विवेकानंद नहीं होए सी, हाले नरेंद्र सी, जिदा बंदा कहिंदा स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले मित्र, पर हाले बेशक विवेकानंद नहीं होए सी, पर फिर भी समझ बड़ी सी। तो विवेकानंद जी ने की किया, मित्र एक शर्त है तेरे ना जाना मैं। कहिंदे जो केड़ी शर्त है? कहिंदा जे तू सूट बूट पाण दी बजाय सिंपल चप्पल चलो, समझदे हो कि नहीं, सधारण कुर्ता पजामा पाना है और सिंपल कपड़िया जाना है। जे सिंपल बन के जाऊंगा फिर मैं तेरे ना चलना, नहीं तो मैं नहीं जाना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आप तो मैरिज की नहीं सी, वो तो संसार में तारण में लग गए सी, पर अपने मित्र को सलाह की दिती। वो मित्र कहिंदा कमाल की गल है यार, ये तू की कह रहा है, लोग जाते हैं लड़की देख, चंगे बूट पाते हैं, चंगा कोट पेंट पाते हैं, चंगा वधिया रूप बना के जाते हैं ताकि लड़की पसंद कर ले। आ तू मैनू की कह रहा है कि चप्पल पा के जानी है, जिदा कहिंदे ना कैंची चप्पल, वो पा के जानी है और सधारण कुर्ता पजामा पा के जाना है, बाल भी बखेर के जाना है, उदा के हालात में जाना जिदा तू घर च रोज़ रहा है। बोलो समझते हो कि नहीं? वो कहिंदा कारण की है? तो विवेकानंद जी कहिंदे गल सुन, अज हुंदा की है, घर टुटदे कदों है? जदों बंदा ऐ ठाट वाट नाल अपना टोर कट के चला जाता है और वो लड़की शादी करके घर आ जाती, घर जदों आके सिंपल देखती तो फिर तो दिल ही टुट जाता, देखिया तो कुछ नहीं निकलिया कुछ। जे सच्चा प्यार होएगा ना, सिंपल बन के जाओ, वो लाइफ बन लैके जाओ जिदा के तुम अपने जीवन च रेंदे हो, क्योंकि उत्थे लड़की तुहानू पसंद करके तैनू चुनेगी। तो जिहड़ी बुरी हालत में तैनू चुनेगी ना, वो कल माड़े तो माड़े हालात में भी तेरे नाल खड़ी होएगी। गल बड़ी समझने वाली विवेकानंद जी की, पर तुहानू ठहर के समझ आनी है, समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि जे ना तुहाडी वो हालत ना चुनाव कर लिया कि ठीक है इदां दा है, चप्पल पाई है, कुर्ता पजामा मैनू कबूल है, इहदा मतलब उहना तेरे असली रूप नाल प्यार कीता है। क्योंकि घर च तुसीं किदां 24 घंटे किदां रहिंदे हो, पर किसी मिलने जाना हो तो बस वो 10 मिनट जो तुम इदा की तैयारी कर लेंगे हो, शैंपू पाउडर लिपस्टिक ये वो के अगला देख के कहता है, जिदा कहें नथू लाल की गल याद आ गई, थोड़ा हस भी लिया करो। नथू लाल की गल याद आ गई, नथू लाल की पत्नी का कहते जन्मदिन से, नथू लाल उस गिफ्ट लिया, जो गिफ्ट लिया उन्हें गिफ्ट खोलिया देखिया आईफोन का डब्बा, वो कहती आईफोन नवा, नथू लाल कहता हाँ देख, हूँ खोलन लगी, जो खोलिया तो बिचों निकलिया नोकिया, यानी निका जहा फोन, वो कहती आ कि डब्बा आईफोन का आ बिचों भी कढ़िया, वो कहता बदला लिया मैं, जो मैं भी तेनू देख आया से इतना हार शिंगार के खड़ा करता कि सामने कुछ होर सी निकली कुछ होर, ये तो इतने आगे पता लगा तो मेरा खून पीने वाली चुड़ैल निकली जो मेरे दिन रात खून चूस रही है, समझ ना सर। क्योंकि कई बार बंदा सजावट इदा की कर लेंदा है कि बाहरों देखने बड़ा सुंदर लगता है, पर पता बाद चो लगता बोलवाणी तो वो करनी तो कि कोई फरिश्ता नहीं सी, ये तो भाई शैतान सी जिहड़ा मेरा खून ही पी रहा। सो दसना की चाहते हैं कि विवेकानंद ने उन्होंने सलाह दिती कि इस रूप से जाएगा और तेनू जिहड़ा पसंद करेगा ना वो सच्चा प्यार होएगा, तो जिहड़ा दिखावे नू देख के पसंद करे वो फिर सच्चा प्यार नहीं हुंदा, तो दिखावे नाल हुंदा है, और जिद ही वह सूट बूट जाणगे प्यार भी नाल ही चला जाएगा, समझ आ रही है? क्योंकि फिर प्यार बंदे नाल नहीं हुंदा उहदियां, हुण बंदा फर्ज करो तुसीं किसे नाल यारी लांदे हो उहदी गड्डी देख के, कल उहदी गड्डी चली जांदी है तां तुहाडी यारी भी, कहिंदा लै हुण गड्डी गई तां यारी भी गई, क्योंकि इहदे करके तां यारी लाई सी, पर जे तुसीं यारी लांदे उहदी अच्छाई दे नाल तां बंदा 100 साल दा भी हो जाएगा उहदी अच्छाई नहीं किते जाएगी तां तुहाडी यारी भी किते नहीं जाएगी। इसलिए जद भी किसे नाल यारी लाईए, जद भी किसे नाल जुड़िए, उहदी करनी नूं देख के जुड़िए, ना कि उहदे पदार्थां नूं देख के, क्योंकि पदार्थ आते जाते रहेंदे है। बोलो समझते हो? कि जिदा कहते ना विवेकानंद जदों शिकागो गए भाषण देने वास्ते भारत की तरफों, तो उत्थे विवेकानंद अपने असली जो यानी जो साधुओं वाला पहरावा सी, सन्यासियों वाला पहरावा सी, उच्चे चले गए, उच्चे चले गए। हुण जिहड़ी सभा विच उन्होंने जाना सी उत्थे बड़े बड़े होर लोग आ रहे सी, दूसरियां कंट्रियां दे,
और हर कोई कोई कोट कोट पैंट पा के, कोई टाइया ला के, कोई किस तरह आया। पर विवेकानंद जी कितना पहुंचे सन्यासियों के भेष में, बोलो समझते हो कि नहीं। तो एक आदमी ने उत्थे सवाल कर लिया विवेकानंद जी को कि महाराज इत्थे सारे कोट पैंटा च आए है, सारे कैप ला के, हैट ला के, टाइया ला के आए हैं, तुसी आ किहड़े पहरावे च आए हो, तुसी आ किहड़े पहरावे च आए हो। ये सरकारी मीटिंग है, एक जगह सरकारी मीटिंग सी जिथे बड़े बड़े अफसर इकट्ठे हो रहे सी कि ये सरकारी मीटिंग च कई मिनिस्टर कई मंत्री आ रहे हैं, वो अपने अपने कोट पैंट अच्छे बन के आ रहे, तुसी आ किहड़े सन्यासियों के भेष च आ गए। तो उस वेले जो इन्नी गल उन्हें कही तो विवेकानंद ने एक जवाब दिता, विवेकानंद कहिंदे ये भेष मेरे गुरु का भेष है जो मैनू मेरे गुरु ने दिता है, बोलो समझदे हो कि नहीं। और मैं जरा हुण गौर करना, वह कहिंदे ये भेष मेरे गुरु का भेष है और ये सरकारां तां आंदियां जांदियां बदलदियां रहणियां है, इन्हां नूं खुश करन वास्ते मैं अपने गुरु के भेष नूं नहीं छड्ड सकदा। ये समझना जरा, कहिंदे सरकारां तां आंदियां जांदियां रहणियां है, बदलदियां रहणियां है, इन्हां नूं खुश करन वास्ते मैं अपने वह गुरु के पहरावे नूं क्यों छड्डां, जो मेरे गुरु का नियम है, असूल है, उन्हों क्यों छड़ा, क्योंकि मैं सरकारों नूं खुश नहीं करना, मैं अपने और रब नूं खुश करना है, अपने सतगुरु नूं खुश करना है। इनू कहिंदे है ताही ताज उन्हों का नाम है। इसलिए जिंदगी देखिया करो, अज बंदा की करता है, बंदा सरकारों नूं खुश करन च लगा रहिंदा है, इनू खुश कर लवां, उन्हों खुश कर लवां, हो जाता कि नहीं, संसार नूं खुश करन च लगा रहिंदा है और भुल जाता है अपने रब नूं खुश करना, जिथों सारिया खुशियां मिलनिया है, जिथों साढ़े जीवन च सच्चा आनंद आना है, जिथों साढ़े जीवन च सफलता आनी है। इसलिए ठीक है, दुनिया की खुशी का ख्याल किदा रखना है कि किसी नूं मेरी वजह नाल तकलीफ ना होवे, पर यह नहीं कि दुनिया नूं खुश करन दी खातर मैं वह भी गलतियां करा जिहड़ियां मेरे रब तो मैनू दूर कर दें। क्योंकि जिथे चार शराबी बैठे है हुण जे उन्हां शराबियों नूं खुश करना तो फिर की करना पैना, सानू भी उन्हां नाल बह के पीनी पैनी, जे ना पीवेंगे वो नाराज होएंगे, लै वे वो रिश्तेदार नाराज ना होने उन्होंने बह के पीती नहीं। पर यह गल बंदा भुल जाता, रिश्तेदारों तो खुश कर लवेंगे पर अपने रब नाराज कर लवेंगे ना, अपने रब नू अपनी हैल्थ नू अपनी सेहत नू तो दूर कर देवे। हुण जिहड़ा समझदार होएगा वह की कहेगा कि नहीं भाई मैं वो कर्म नहीं कर सकता जिहड़ा मेरे रब तो मैनू दूर कर देवे। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए ये याद रखो कि नीचा की अछनाई नालों फैल किसे नहीं पाया, कि नीचा नाल यारी ला के जिन्हां की सोच नीवी है, जिन्हां की करनी नीवी है, उन्हां नाल यारी ला के कभी साडा लाभ नहीं होता। फैज का मतलब होंदा फायदा, लाभ, भला। कहिंदे नीचा नाल यारी ला के किसे दा भला नहीं कभी होया, बल्कि उही गल है किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर पत्ता जखमाया। किक्कर का पेड़ बड़ा उच्चा होंदा है, जे उत्ते अंगूर चढ़ा देवांगे, अंगूर की बेल चढ़ा देवांगे तो कभी देखना, वह कहिंदे किक्कर के उपर अंगूर नूं चढ़ा देवांगे तो अंगूर की बेल नूं फायदा नहीं होएगा, उल्टा नुकसान ही होएगा, क्योंकि उत्ते फल भी नहीं लगनगे। कारण की होएगा? कंडिया ने उदे चीरी जाना सब कुछ। इसलिए जे तुसी भी अपने जीवन च खुशियां चाहते हो तो फिर बुरी सोबत तो बचो, बुरी संगत तो बचो और अच्छी संगत नाल जुड़ो, सतसंगत नाल जुड़ो, जिथे तुहाडे जीवन च खुशियां दे रंग भरे जाण, जिथे तुहाडे जीवन च ओ आनंद दे रंग भरे जाण, जिथे तुहाडे अंदर प्रेम भरिया जाए, विश्वास भरिया जाए, उत्थे जुड़ो। क्योंकि जिदा असी शुरू च ही दसिया कि असी तुहाडे सारे दे जीवन की खुशी देखना चाहते हैं, एक आनंद देखना चाहते हैं, और अगर तुसी उस मालिक दे विश्वास दे उत्ते उस मार्ग ते चलते चले जाओगे तो फिर तुसी देखोगे कि तुहाडे जीवन च वाकई खुशियां दे रंग वधदे चले जाणगे, फिर कमी नहीं कोई भी रहेगी। क्योंकि जिस तरह दसिया कि एक बार इंसान विश्वास दे नाल यकीन दे नाल अपने मालिक का होके तो देखे, फिर इंसान के जीवन च जे कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी आती भी ना तो इंसान घबरांदा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, विश्वास है उन्हें कि मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए तुसी भी अपने आप को कभी कल्ले नहीं समझना, समझदे हो कि नहीं? एक विश्वास रखना है, एक यकीन रखना है कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। और ये भी गल याद रखनी है, क्योंकि विवेकानंद हो गए, चाहे होर असी तुहानू जिन्नियां भी साखियां दसियां है, ये सिर्फ सुननिया नहीं है, ये चो सीखना भी है कि जे विवेकानंद इन्नी गल कह सकते हैं कि सरकारां तां आंदियां जांदियां रहिंदियां, मैं अपने गुरु के पहरावे नूं क्यों छड्डां, तो इहदा मतलब की है कि इशारा कर गए ओह कि ये संसार दे उपर असीं इक्को ही चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने वो रब नूं किदां खुश किया जाए। क्योंकि जे वह खुश है तो जरा याद रखो उही तां तुहानूं जिंदगी देण वाला, जीवन देण वाला है।
अगर वो मालिक खुश है, परमात्मा खुश है, तो फिर ही तुहाडा जीवन भी खुशियां नाल भर सकता है। नहीं तो पुछ के देखो अपने हिरदे नूं, इहदे अंदर रहिंदा कौन है? तो अंदरों आप ही आवाज़ आएगी कि मेरे दिल विच वो मेरा मालिक रहिंदा है। तो हुण बंदा कोई भी कम करता है तो कादे वास्ते करता है? कि मेरे दिल नूं खुशी होवे, इसलिए करदा ना। जे बंदे नूं पुछो भाई की चाहुंदा है तू, नवा घर क्यों चाहुंदा है? ताकि मेरा दिल खुश होवे। नवा कपड़ा क्यों चाहुंदा? ताकि मेरा दिल खुश होवे। तो हुण जरा गौर करना, ये दिल कदों खुश होएगा? जदों दिल च रहण वाला जो दिल का मालिक है वह खुश होएगा, फिर ही दिल खुश हो सकता है। बाहरों जो मर्जी करी जाओ उन्हें दिल खुश नहीं होना। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि मकान बाहर है, पहरावे बाहर है। जरा समझना सारे ने, मकान पहरावे बाहर है पर रब तुहाडे दिलां च है। जदों नेकी कीती, अच्छाई कीती, नेक मार्ग ते चलदे हो, तुहाडे दिल च रहण वाला रब खुश है, तो फिर तुसीं आपे ही खुश हो जाऊंगे, क्योंकि तुसीं आप ही तो रब दा रूप हो। अहीं फिर एक बार कहांगे तुहानूं, क्योंकि तुसीं अपने आप नूं हाले जाणिया ही नहीं है, समझिया नहीं है कि कहड़ी ताकत तुहाडे अंदर छुपी हुई है। इसलिए काश तुसीं थोड़ी जिही मेहनत करन नूं तैयार हो जावो, तो फिर तुहानूं पता लगे कि सानूं जे परमात्मा ने जिसम दिता है तो सिर्फ शरीर मिट्टी का नहीं है, इहदे अंदर एक नूरी ताकत भी छुपी हुई है, और तुसीं उही हो, उह है तुहाडा असली रूप। इसलिए असीं कहिंदे मेहनत करो, शब्द नाल जुड़ो, ध्यान दे नाल जुड़ो, मैडिटेशन दे नाल जुड़ो, सिमरन करो, बंदगी करो, क्योंकि बंदगी दे नाल ही तुहानूं अपनी जिंदगी दे छुपे हुए राजां दा पता लगता है कि साडे अंदर कि ताकतां छुपियां हुई हैं। इसलिए जरा सोच के देखो, जे बाबा फरीद ने बंदगी ना की होंगी तो फिर उन्होंने पता लगना सी कि मेरा की है। जे महात्मा बुद्ध ने ध्यान ना किया होंदा तो उन्होंने पता लगना सी, अज कहा जाता भगवान बुद्ध, तो फिर उन्होंने की रहना सी? जरा गौर करो, एक राजा रहना सी, एक राजकुमारी रहना सी, उन्होंने एक राजा ही रहना सी, एक देश दे, छोटे जे देश दे। पर जो मेहनत करके अपने आप को जाणिया तो फिर अज सारी दुनिया उन्होंने कहती भगवान। सो ये ताकत ही शक्तियां साड़ी अंदर ही छुपिया हुई है, पर उदों ही प्रगट होंदियां जदों असी मेहनत करन तैयार और अपने मालिक ते विश्वास करन तैयार। इसलिए कह दियो अपने अंदरों, क्योंकि हुण समा काफ़ी हो गया, इसलिए आखरले वचना च ये गल कहांगे कि कह दियो अपने अंदरों कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। और ये गल दिलों कहनी है, सिर्फ जुबान तो नहीं, क्योंकि जो दिलों कही जाती ना तो फिर ही ये दिल की आवाज़ वो दिल च रहन वाले मालिक तक पहुँचती है। समझ दियो, हुण मालिक अंदर बैठा होवे तां तुसीं रोला बाहर पाई जावो, उहनूं सुनेगा उत्थे, पर जो तुसीं उह दरवाजे दे कोल जाके अंदर आवाज़ दोगे ना अंदर बैठे, वह मालिक नूं सुन भी जाएगा। इसलिए तां ही कहिंदे खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, क्योंकि दिल च ही तो रहिंदा है, दिल च पुकारांगे तो जल्दी सुनेगा। फिर तुसीं उत्थे पहुँच के टिकाने ते जिथे वह बैठा है। इसलिए दिलों कहना है मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। हुण जदों विश्वास आता है तो फिर इंसान के अंदरों कि आवाज़ निकलती है, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। और जो मालिक नाल होंगे तो फिर की होंगे है? मेरिया झोलियाँ रहमत नाल, मेरिया झोलियाँ रहमत नाल, मेरिया झोलियाँ रहमत नाल। और जो रहमत होंगे तो फिर बंदा कहता है मेरिया झोलियाँ खुशियां नाल, मेरिया झोलियाँ खुशियां नाल, मेरिया झोलियाँ खुशियां नाल। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। जरा हंस के दिखाओ हूँ, क्योंकि याद रखो ये गल सिर्फ कहन दी नहीं है, अगर विश्वास करूंगे तो वाकई तुहाडे दुख दूर हो भी जाएंगे। बोलो समझ दे हो कि कल ही एक जीव आए सी अपनी बच्ची नू लेके, कि डॉक्टर ने जवाब दिता सी तुर नहीं सकती है, उहदा पैर जिहड़ा सी कुदरती अज नहीं आए, क्यों कल परसों ही शायद शाम को आए थे। उन्होंने बेनती की मालको सत्संग जरूर ये चीज़ दसनी है संगत को, मंसूरवाल पिंड से उन्होंने, कि बच्ची का पंजा लादे नाल लगा सी, डॉक्टर कहते सारी जिंदगी बच्ची तुर नहीं सकती थी, पर जो आए कल या परसों शाम को और उन्होंने दसिया कि मालको देखो रहमत हो गई कि बच्ची पैरों पर खड़ी है, ये तो डॉक्टर कहते बच्ची कभी तुर नहीं पाएगी। हुण असीं क्यों दस रहे हैं? क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਲ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ, ਅਕਲ ਹੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਅਕਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਹੁਸਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਨਾ ਅਕਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਲਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ, ਨਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਣ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि जिथे प्यार हुंदा ना उत्थे हर सुख सुविधा दित्ती जाण दी कोशिश की जाती है। इसलिए जो तुसीं कोई भी योगदान पाते हो ना तो साडी कोशिश हुंदी है कि तुहानू दरबार के उत्ते आंदियां हर तरह की वो सुविधा देिए कि तुसीं कह सको वाकई स्वर्ग है तो मालक दे चरणां च तुहानू हर खुशी देना चाहते हैं असीं। इसलिए ताही कहते मुस्कुराओ हसो, इत्थे भी खुशियां देवांगे तो जिहड़ा साडा हो गया ये वादा साडा उत्थे भी खुशियां देवांगे तुहानू। ताही तां कहिंदे पूरा यकीन है क्योंकि जिहनू पता होवे ना कि मेरी चलती है उत्थे उही दावा कर सकता है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए जिहड़ा साडा हो गया फिर ये हमेशा यही वचन करीदा है कि फिर इत्थे उत्थे उहदे नाल ही है। आप दुनिया नूं दस के जाएगा कि मैं कल्ला नहीं है, मेरा मालिक आ गया और मैनूं लैके जा रहा है। समझते हो कि नहीं? अरे होएगा उदों जदों तुहाडी तार भी पूरी तरह साडे नाल जुड़ी होवेगी, क्योंकि ढिलियां तारां नाल पखे नहीं चलते, ढिलियां तारां नाल लाइटां नहीं चलदियां, तो रब दे घर दियां रहमतां कितना तुहाडे तक पहुँचणगियां। जिहड़े तार पक्की ला दिओ, लाती कि नहीं, बस जे पक्की तार लग गई तो फिर रहमतां भी पक्कियां तुहाडियां, ते कोई कमी नहीं है। तो मालिक अपनी रहमत अपनी बख्शिश अपनी कृपा तुहाडे ते हमेशा बनाए रखे ताकि इहदे तुसीं योगदान दिंदे रहो और तुहाडी सुख सुविधा वास्ते असीं इसे तरह एक करते रहिए सब कुछ ताकि तुहानूं हर खुशी मिले, तुहाडे चेहरे ते सदा मुस्कुराहट बनी रहे। यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है कि तुसीं सदा हसदे मुस्कुराते खुश रहो और हर तकलीफ हर दुख तो मालिक तुहानूं बचा के रखे और अपनी कृपा दया मेहर सदा ही तुहाडे ते बनाए रखे। यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा इह प्रणाम स्वीकार करो। जय मालका। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।